दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। इस समय भारत में नदियों की स्थिति एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है और पर्यावरणविदों का मानना है कि भारत में नदियां तेजी से मर रही हैं। समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा नदियों को बचाने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी नदियों की साफ सफाई को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट लाए जा चुके हैं और हर साल करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्च किए जाते हैं, पर जमीनी स्तर पर यह कितना सफल है ये हम सभी जानते हैं। भारत में नदियों की बदतर होती स्थिति के बीच आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बता रहे हैं जो एक मिसाल है कि अगर हम चाहें तो हर नदी को इसके जैसा बना सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे साफ और स्वच्छ नदी के बारे में, जिसका पानी इतना साफ है कि आप आसानी से उसका तल देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस नदी के बारे में। इस नदी के बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि अपने देश में एक ऐसी नदी है जो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा साफ सुथरी है। यह इतनी साफ है कि इसके नीचे का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह नजर आता है और इसमें धूल की एक कण भी दिखाई नहीं देती। इसे देश की सबसे साफ नदी कहा जाता है। इस नदी का नाम उमंगोट नदी है। यह मेघालय की राजधानी शिलोंग से करीबन 95 किलोमीटर दूर है। इस नदी पर तैरना मानो ऐसा लगता है कि कांच पर तैर रहे हों। इस नदी पर तैरते हुए लोगों को विश्वास तक नहीं होता कि इतनी साफ नदी हमारे देश में भी हो सकती है, जिसमें कूड़े का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता। इसकी सफाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर नाव के चलने पर ऐसा लगता है कि मानो वह किसी कांच के पारदर्शी टुकड़े पर या हवा में तैर रहे हों। यह नजारा बेहद खूबसूरत होता है। जो भी लोग इस नदी को देखकर आते हैं उन्हें लगता है कि वह किसी और दुनिया में है, क्योंकि ऐसी नदी धरती पर तो होना उन्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि नदी के चारों ओर का नजारा ही इतना मनोरमय है। यह जाने वाले यात्री किसी को यही राय देते हैं कि एक बार उमंगोट नदी पर जरूर जाएं। इस नदी की तुलना लोग स्वर्ग में बहती नदी से करते हैं। यह नदी बांग्लादेश और भारत के बीच में बहती है और इसके नीचे खूबसूरत गोल पत्थरों की पूरी रूपरेखा नजर आती है। उमंगोट शिलोंग के टाफ के करीब से बहती है, जो बांग्लादेश की सीमा पर ही बसा हुआ है। जो भी लोग इस नदी को देखते हैं वह बताते हैं कि यह नदी सैकड़ों सालों से इतनी ही साफ है। अंग्रेजों ने इस पर एक ब्रिज भी बनवाया है और इस नदी में बड़ी संख्या में मछलियां भी मिलती हैं और यहाँ सफाई का सख्ती से पालन किया जाता है। सर्दियों में यह नदी और भी खूबसूरत और साफ नजर आती है। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों से यही कहा जाता है कि वह किसी भी तरीके से यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। यदि वह ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई तो होती ही है, साथ में जेल जाने का भी प्रावधान है। इससे यह तो साफ जाहिर होता है कि मनुष्य चाहे तो नदियों को साफ सुथरा रख सकता है, पर जब गंगा और यमुना जैसी नदियों को हम देखते हैं तो यह पता चल जाता है कि मनुष्य जानबूझकर ही इन नदियों को गंदा करता है और कभी सुधरना भी नहीं चाहता। दोस्तों, आज आप सब भी प्रण लीजिए कि नदियों को कभी गंदा नहीं करेंगे और उसे ना ही गंदा होने देंगे, वरना यह जीवनदायिनी नदियां कल हमारे लिए नहीं बचेंगी और फिर मनुष्य का इस धरती से विनाश होना निश्चित है। मनुष्य ने अपने मनोरंजन के लिए आज तक पता नहीं क्या क्या बनाया, खिलौने, टीवी और ना जाने क्या क्या, और उसी तरह पानी से खेलने के लिए तरह तरह के झूले भी बनाए, जिसको हम वाटर पार्क कहते हैं। क्या हो अगर ऐसी ही मनोरंजन की चीज इतनी खतरनाक और डरावनी बन जाए कि उसमें सिर्फ भूत बसने लगे। 20 जून 1976 को रिवर कंट्री में वॉल्ट डिज्नी ने दुनिया का पहला वाटर पार्क खोला। लगभग 25 साल के बाद 2 नवंबर 2001 में अचानक इसे रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया गया। इस वाटर पार्क में रोज हजारों लोग आते थे और इस वाटर पार्क में सारी सुविधा और सुरक्षा भी अप टू डेट थी। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि अचानक रातों रात इसे बंद करने का फैसला लिया गया? इसके बंद होने के बाद भी
डिज्नी ने इसमें लगे झूले और बाकी सैकड़ों महंगी चीजों को इसमें से नहीं निकाला और ये आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। यह भी एक रहस्य ही है कि अरबों रुपए का सामान जो इस पार्क से सुरक्षित निकाला जा सकता था, आखिर वो क्यों नहीं निकाला गया और क्यों इसे रातों रात बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के बाद एक नई कहानी की शुरुआत होने लगी। स्थानीय लोग इसमें कूद कर जाते और अकेले ही इसमें उछल कूद मचाते। इसके कारण कई लोगों की इसमें डूबने के कारण मौतें होने लगीं। उसके बाद धीरे धीरे ये जगह ऐसी डरावनी हो गई कि स्थानीय लोगों ने इसमें जाना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी इसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे रैगिंग के दौरान आते रहे और कहते हैं उन्हें इसमें भूत दिखने लगे थे। ऐसे ही एक दिन यहाँ कुछ नौजवान रात में रैगिंग की सजा के दौरान आए। जब वो सुबह तक कॉलेज नहीं आए तो उनको ढूंढने के लिए जब बाकी लोग गए तब उनको उन सभी की लाशें स्विमिंग पूल में तैरती हुई मिली। आखिर उस रात क्या हुआ था, पुलिस भी कभी इसे सुलझा नहीं पाई। ऐसी ही घटनाएं यहाँ बढ़ने लगी। कभी कोई चोर उचक्का भी यहाँ पुलिस से छुपने के लिए गया तो अगले दिन उसकी भी यहाँ पर लाश मिलती थी। इसके बाद लोगों ने यहाँ पर भूतों और सहायों के दिखने की बात कही और देखते ही देखते इस पार्क के रास्ते से लोगों ने शाम ढलते ही जाना बंद कर दिया और यह आज भी जारी है। इस पार्क में ना जाने कितने पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की टीम जांच करके गई और सभी की सभी को यहाँ हमेशा कुछ अजीब सी रीडिंग्स जरूर मिली हैं। कहते हैं आज भी जो भी यहाँ रात में रुक जाएगा वो मारा जाएगा। अब तक इस पार्क में 67 रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। यहाँ की एक स्थानीय निवासी ने इस पार्क में रात गुजारने के लिए $1,00,000 का इनाम रखा है। इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें रात गुजारे और अगले दिन वहां रात में क्या हुआ यह घटना उनको बताए तो उसे वो $1,00,000 का इनाम देंगी। आखिर क्या हुआ था इस पार्क में जो अचानक रातों रात इसे बंद कर दिया गया। आखिर क्या हुआ था इस पार्क में जो यहाँ से अरबों रुपए के कीमती सामान भी डिज्नी ने कभी नहीं निकाले। आखिर क्यों यहाँ पर रहस्यमय तरीके से लोग मरने लगे। आखिर क्यों, क्या रहस्य है इसके पीछे। शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते तो एक बार यहाँ जरूर जाएं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हम आपसे ये कहना चाहते हैं अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और आप अगर वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाके ऐसे ही और मनोरंजक वीडियोस जरूर देखें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें।